नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे सेवेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर है वो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है लेंस सिस्टम लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज

ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया है लाइट एंटर्स आई अब देखिए जो लाइट है वो एंटर करती है आई में थ्रू अ थिन कॉल्ड अब आपको बताना है कि उस मेमब्रेन को क्या कहते हैं जहां से लाइट एंटर करती है फर्स्ट ऑप्शन इज कॉर्निया सेकेंड ऑप्शन इज आयरस थर्ड ऑप्शन इज रेटिना एंड फोर्थ ऑप्शन इज लेंस तो जिस मेमब्रेन से लाइट एंटर करती है उसको क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड कॉर्निया ठीक है cornea, तो बेटा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा ठीक है कॉर्निया है दैट इज नॉट टू दैट इज ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं द आई बॉल इज अप्रॉक्सिमेटली स्फेरिकल इन शेप तो आई बॉल जो हमारी है वो कैसे शेप की है तो दैट इज स्फेरिकल इन शेप लेकिन आपको बताना है कि उसका डायमीटर क्या होता है तो डायमीटर आपको बताना है, हमारी आई बॉल का डायमीटर कितना होता है तो फर्स्ट ऑप्शन इज वन सेंटीमीटर सेकेंड ऑप्शन इज टू पॉइंट थ्री सेंटीमीटर थर्ड ऑप्शन इज फोर सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो 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 ये अगर आप देखेंगे तो होता है है का। ठीक तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा दैट इज पॉइंट थ्री सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन फोर में कहा गया मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग दी आई अकर्स एट दउटर सर्फेस ऑफ तो जो ज्यादातर रिफ्रैक्शन होता है आई में वो कहां पर होता है किस जो आउटर सर्फेस होता है किसके आउटर सर्फेस पे होता है फर्स्ट ऑप्शन इज कॉर्निया सेकेंड ऑप्शन इज आयरस थर्ड ऑप्शन इज रेटेना एंड फोर्थ ऑप्शन इज लेंस तो यहां पर भी जो आंसर है बिल्कुल बेसिक सा आंसर है और क्या इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ

ठीक है आपने देखा होगा जब आप बहुत उजाले में जाते हैं तो आपका जो आयरिस होता है ठीक है वो क्या हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ठीक है वो प्यूपिल को ढक देता है और जब आप उस उजाले से अचानक से कमरे में आते होंगे तो आप देखते होंगे सब अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता होगा ठीक है तो ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्यूपिल को वापस उसी पोजिशन में आने के लिए नॉर्मल पोजिशन में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक है तो ये काम कर कौन रहा है ये काम कर रहा है आयरस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर सिक्स वट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्टिंग में जो लाइट एंटर करती है उसको कौन कंट्रोल करता है ठीक है तो कौन कंट्रोल करता है कि अमाउंट ऑफ कितनी ज्यादा एंटर करनी चाहिए कि कम एंटर करनी चाहिए ये कंट्रोलिंग किसकी है ठीक है तो बेटा ये कंट्रोलिंग किसकी होती है तो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉर्निया सेकेंड ऑप्शन इज आयरस थर्ड ऑप्शन इज रेटिना फोर्थ ऑप्शन इज प्यूपल बिल्कुल सही है डी ऑप्शन इसका सही आ रहा है बच्चे का प्यूपल इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा प्यूपिल ही बिल्कुल सही है इसका आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन सेवन में कहा गया है आई लेंस फॉर्म्स एंड इनवर्टेड एंड डैश इमेज ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन दी रेटिना तो हमको ये पता है कि जो लेंस है वो इमेज कहां फॉर्म कर रहा था रेटिना पे कर रहा था लेकिन जो रेटिना पे इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी ये जानना जरूरी है तो इन्वर्टेड दिया गया है तो बिल्कुल सही है मोहन टेगी का आंसर ठीक है तो इनवर्टेड के साथ कैसी इमेज बनती है रियल इमेज बनती है ये याद रखिएगा रियल इमेज जो भी होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है और जो भी वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है वो होती है इरेक्ट ठीक है अब क्योंकि यहां पे क्वेश्चन दिया गया इनवर्टेड है तो इन्वर्टेड के साथ इमेज कैसी बनेगी बेटा रियल बनती है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा रियल दैट इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है फर्स्ट दिया गया है द प्यूपिल ऑफ एन आई एक्ट लाइट वेरिएबल अपर्चर हु साइज कैन बी वेरीड विद द हेल्प ऑफ आयरस तो प्यूपिल का साइज कौन वेरी करता है आयरिस करता है बात बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट दिया गया वेन द लाइट इज वेरी ब्राइट द आयरस कॉन्ट्रैक्ट जो अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि जब जो लाइट होती है बहुत ज्यादा ब्राइट होती है तो आयरस क्या कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और प्यूपिल का साइज क्या कर देता है कम कर देता है ठीक है तो बी ऑप्शन जो है वो भी सही है थर्ड देखिए डिम लाइट में क्या होगा इसी का अपोजिट होगा आयरस क्या हो जाएगी एक्सपैंड हो जाएगी और आयरस के एक्सपैंड होने से क्या होगा ज्यादा लाइट एंटर करेगी ठीक है ज्यादा लाइट आई में एंटर करेगी बिल्कुल ठीक है तो तीनों ऑप्शन सही है और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं द प्यूपिल ओपन थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ द आई आयरिस ठीक है तो प्यूपल जो है वो कंप्लीटली ओपन हो जाएगा ठीक है रिलैक्सेशन ऑफ आयरिस के टाइम पे तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं इसमें कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है तो नन ऑफ दबव जो कि यहां ऑप्शन नहीं दिया गया है लेकिन ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा नन ऑफ दी अब मींस एवरी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन when the muscles are relaxed the lens becomes thin and its focal length अब देखिए जो सिलियरी मसल्स हैं उसकी बात कर रहे करी जा रही है यहाँ पर तो सिलियरी मसल्स कैसे हो गए रिलैक्स हो गए ठीक है तो लेंस क्या हो गया लेंस हो गया थिन अब लेंस थिन हो गया तो आपको बताना है फोकल लेंथ जो लेंस की होगी वो क्या हो जाएगी ठीक है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इंक्रीज हो जाएगी सेकंड ऑप्शन दिया गया डिक्रीज हो जाएगी थर्ड इज कांस्टेंट रहेगी और फोर्थ ऑप्शन इज None of the above ठीक है तो ये याद रखिएगा जब मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो लेंस जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है और हमारे आंखों में जो आई लेंस है वो कौन सा है कॉन्वेक्स लेंस है ये तो पता ही होना चाहिए सबको फोकल लेंथ क्या हो जाती है तो थिन होने पर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है ठीक है गौरव का बेटा आंसर सही आ गया वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं टेंथ में देखिए क्या बोला गया द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड ठीक है आईलेंस की वो एबिलिटी जिससे उसका जो फोकल लेंथ है लेंस का वो एडजस्ट हो सकता है तो उस एबिलिटी को क्या कहते हैं ठीक है फर्स्ट ऑप्शन कैटरैक्ट कहते हैं तो कैटरैक्ट तो एक बीमारी है या ये कह सकते हैं कैटरैक्ट एक प्रॉब्लम होती है आई की जिसमें आपने देखा होगा आई में क्लाउडीनेस आ जाती है तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है एकोमोडेशन तो इसको एकोमोडेशन कहते हैं ठीक है कि हम लोग पास की चीजें भी देख सकते हैं दूर की चीज़ें भी देख सकते हैं प्रॉपरली और क्यों देख सकते हैं क्योंकि हमारे जो आंखों में आईलैंड है उसका साइज लगातार क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ठीक है तो दिस ऑप्शन इज एकोमोडेशन प्रेस बायोपिया गलत है और मायोपिया भी गलत है प्रेस बायोपिया वो डिफेक्ट आई का होता है जिसमें ना ही दूर की चीजें क्लियर विजिबल होती हैं और ना ही पास की चीजें क्लियरली विजिबल होती हैं मायोपिया क्या होता है मायोपिया वो डिफेक्ट है आई का जिसमें दूर की चीज़ हम लोग को सही से दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन पास की चीजें क्लियरली विजिबल होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इलेवन

ठीक है तो ये भी याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई ठीक है नॉर्मल आई का क्या कहलाता है वो नियर पॉइंट कहलाता है और फार पॉइंट पूछा गया फार पॉइंट क्या होता है तो हम लोग मैक्सिमम कितना दूरी तक देख सकते हैं तो इट इज इंफिनिटी तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ट्वेल्थ का इंफिनिटी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी तो देखिए जो क्रिस्टला जो लेंस था वो कैसा हो गया वो हो गया मिल्की हो गया और क्लाउडी हो गया क्लाउडीनेस आ गई लेंस पे आपको बताना है इस कंडीशन को कहा क्या जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया इट इज कॉल्ड कैटर एक्ट सेल्ड एकोमोडेशन थर्ड ऑप्शन इज ऑप्शनिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज मायोपिया तो अभी हमने आपको बताया था इसको प्रेस बायोपिया बेटा नहीं कहते इसमें क्या हो रहा है मिल्किनेस आ रही है आई लेंस पे तो इसको कहते हैं कैटर एक्ट ठीक है तो ए ऑप्शन इज करेक्ट सही है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए ह्यूमन बींग हैज अरिजोंटल व्यू ऑफ वन फिफ्टी डिग्री विद वन आई देखिए अगर हम लोग एक आंख अपनी खोल के रखते हैं तो हम लोग को वन फिफ्टी डिग्री का व्यू दिखाई पड़ता है लेकिन अगर दोनों आंखें खोलते हैं तो वन एट्टी डिग्री का व्यू दिखाई पड़ता है तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो हाँ ये स्टेटमेंट जो है दिस इज टोटली ट्रू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच डिफेक्ट ऑफ एन आई इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस अब नियर साइटेडनेस बताना है क्या होता है कौन सा डिफेक्ट नियर साइटेडनेस कहलाता है अब नियर का मतलब होता है पास और साइटेडनेस का मतलब है दिखना तो जिसमें पास का क्लियरली विजिबल हो लेकिन फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल ना हो उसको क्या कहा जाएगा उसको कहा जाता है मायोपिया तो मायोपिया वो डिफेक्ट ऑफ आई है जिसमें दूर की चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं लेकिन पास की चीज़ें क्लियरली विजिबल होती हैं ठीक है तो फिफ्टींथ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए मायोपिया क्यों होता है सेकेंड दिया गया इलांगेशन ऑफ आई बॉल थर्ड दिया गया बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ इज जो कॉज होता है मायोपिया के ये दोनों कॉज जो दिए गए बिल्कुल सही हैं कर्वेचर ऑफ आईलैंड मतलब जो फोकल लेंथ है की वो क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाती है डिक्रीज हो जाती है तो ये भी भी स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, है। पॉइंट इलोंगेशन ऑफ आई बॉल मतलब आई बॉल का जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा तो ये दोनों बातें सही है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का सेवनटीन देखते हैं मायोपिया कैन बी करेक्टेड अब देखिए मायोपिया का करेक्शन पूछा गया मायोपिया कैसे करेक्ट कर सकते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस बाईफोकल सिलेंड्रिकल तो पता होगा सबको मायोपिया को करेक्ट करने के लिए सिंपल सा कॉन्केव लेंस हम लोग यूज करेंगे सूटेबल पावर का और याद रखिएगा कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा निगेटिव में होती है पावर भी निगेटिव में होगी फोकल लेंस भी क्या हो जाएगी निगेटिव में हो जाएगी ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइपर मेट्रोपिया से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फर्स्ट दिया गया इट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस तो देखिए नियर साइटेडनेस अभी हमने देखा था हाइपर मेट्रोपिया को नियर साइडनेस तो इसको किसको बोलते हैं मायोपिया को बोलते हैं ठीक है तो नियर साइटेडनेस क्या होता है नियर साइटेडनेस मायोपिया होता है और हाइपर मेट्रोपिया क्या हो जाएगा फार साइटेडनेस हो जाएगा फार साइटेडनेस का मतलब है दूर की चीजें क्लियर होंगी लेकिन पास की चीजें क्लियर नहीं होंगी तो एटीन क्वेश्चन में सिर्फ ए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वो गलत है बाकी के जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो तो देख सकते हैं देखिए माओपिया हाइपर मेट्रोपिया होना चाहिए अच्छा चलिए अगर मायोपिया है अगर मान लीजिए क्वेश्चन मायोपिया का ही है और आपसे पूछा जाए इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएं सब लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा मायोपिया का जो डिफेक्ट है वो किसी से नहीं होगा नन ऑफ दी अब आंसर सही होगा क्यों क्योंकि ये जो डिफेक्ट ये जो दोनों कॉजेज दिए गए, गए, है? गए हैं किसके दिए गए हैं हाइपर मेट्रोपिया के दिए गए हैं ठीक है दे आर दॉजेज ऑफ हाइपर मेट्रोपिया क्या कॉज होता है हाइपर का पहला फोकल लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और दूसरा क्या है आइलेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी घट जाएगी छोटी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी माओपिया डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग डैश लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पॉल तो अभी हमने देखा था कॉन्केव लेंस और अगर हाइपरमेट्रोपिया होता तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस होता है कॉन्वेक्स होता है ठीक है ये दोनों बात याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं ठीक है थीके? और कॉन्केव लेंस को क्या कहते हैं डाइवर्जिंग भी कहते हैं ये दोनों बात आप लोग को याद रखनी है इसके बाद एक और देख लीजिए एक और टाइप का लेंस दिया गया बाईफोकल दिया गया है बाई फोकल लेंस किसको किस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए यूज होता है तो ये आंसर है प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिया ठीक है प्रेस बायोपिया क्या होता है प्रेस बायोपिया वो डिफेक्ट होता है जिसमें ना ही नियर बाय थिंग्स क्लियरली विजिबल होती हैं और ना ही फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल होते हैं ठीक है सिलेंड्रिकल लेंस एक डिफेक्ट होता है जिसको कहते हैं एस्टिग ठीक है एस्टिगमेज उसको करेक्ट करने के लिए यूज होता है ठीक है तो ये चारों हमने आपको बता दिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बताया बाई फोकल करेक्ट आंसर क्वेश्चन ट्वेंटी टू देखिए फॉर पैरल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस अब देखिए पैरल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज हैं ग्लास लैब में ठीक है डायग्राम तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा द इमरजेंट रे इज डैश टू इंसिडेंट रे तो अगर इंसिडेंट रे हम लोग ऐसे लेते हैं ठीक है तो आपने देखा होगा पहले यहां पर रिफ्रैक्शन होता है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी इधर की ओर और फिर आपने देखा होगा ये रे कुछ इस तरीके से निकल जाती है ऐसे करके और होता क्या है कि ये दोनों जो रेज होती हैं आपस में क्या होती हैं पैरेलल होती हैं इसका मतलब इंसिडेंट रे दिस वाज इंसिडेंट रे एंड दिस इज इमरजेंट रे ये दोनों आपस में क्या है दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर ये दोनों कैसी होती हैं आपस में पैरेलल हो जाएंगी ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें बताना है आपको कि कितने ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और कितने रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेज होते हैं ठीक है तो ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो याद रखिएगा कि दो इसमें ट्रेंगुलर बेसिस होते हैं ट्राइंगर ग्लास प्रिज्म दो नंबर ऑफ ंगर बेसिस एंड थ्री नंबर ऑफ रेक्टैंगर लेटरल सरफेसेस तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन थ्री नेक्स्ट इज क्वेश्चन ट्वेंटी फोर एंगल बिटवीन टू लेटरल ग्लास प्रिज्मल ऑफ डैश ठीक है तो बेटा सही है तो नाम लेने से बेटा कोई फायदा नहीं है यहाँ नाम लेने के लिए आप लोग नहीं आते हैं शायद ठीक है तो ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो दो लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल है

इमरजेंस कहलाएगा ठीक है तो इस तरीके से ये तीनों हमारे एंगल हो जाएंगे नेक्स्ट देखिए कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दे दिए गए फर्स्ट दिया गया है द द द प्रिज्म प्रिज्म हैज प्रोबेबली प्रोबेबली स्प्लिट इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ सेवन कलर्स तो बिल्कुल सही है जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है व्हाइट लाइट को सेवन कलर्स में स्प्लिट कर देता है ठीक है और सेकेंड अगर देखा जाए तो सेकेंड देखिए क्या बोला गया एक मिनट बेटा थोड़ी सी ठीक थोड़ा सा एक मिनट नेटवर्क की दिक्कत है ठीक है बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया

कि स्प्लिट जो होती है लाइट की स्प्लिटिंग उसके कंपोनेंट कलर में उसको क्या कहेंगे हम लोग डिस्पर्जन कहेंगे और इसी डिस्पर्जन से इसी डिस्पर्जन से क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए आप याद रखिएगा जो फिनला इन्वॉल्व होता है दैट इज डिस्पर्जन नेक्स्ट है ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन में कहा गया द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट द बेंड्स द मोस्ट ठीक है आपको बेंडिंग बतानी है सबसे ज्यादा किसकी होती है तो सबसे ज्यादा जो बेंडिंग दी गई है बिल्कुल सही दी गई है वायलट में मैक्सिमम बेंडिंग होती है और रेड लाइट में मिनिमम बेंडिंग होती है तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट दिस इज ट्रू नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर हु द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू प्रिज्मेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बेटा वो कौन से पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये यूज किया था ग्लास प्रिज्म को यूज किया था और स्पेक्ट्रम को देखने के लिए तो वो साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है तो आइंस्टाइन पास्कल मैक्सवेल या न्यूटन ठीक तो है तो इसका आंसर आइसर आइजैक न्यूटन है तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखिए न्यूटन ने क्या बताया न्यूटन गिव द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ डैश कलर्स तो सनलाइट कितने कलर्स की होती है न्यूटन के हिसाब से क्या बताया गया था तो वन फोर सेवन या इनफाइनाइट कलर्स ठीक है तो आपने नाम सुना होगा वेबग्योर का ठीक है वेबग्योर का नाम सुना होगा विपग्योर का मतलब क्या है वी का मतलब वॉयलेट आई का मतलब इंडिगो B ब्लू जी इज ग्रीन वाई येलो ओ ऑरेंज एंड आर इज रेड ठीक है तो सेवन कलर्स की लाइट बनी होती है ये आपको जानना है ठीक है बेटा टेंथ का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा ये हम क्या सी बी एस सी भी नहीं बता पा रहा है ठीक है तो जैसे ही पता चलेगा आप लोग को पता चल जाएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेनबो अब रेनबो के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फर्स्ट दिया गया है रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियर इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर बिल्कुल सही बात है रेन शावर के बाद रेनबो आता है सेकेंड दिया गया इट इज कॉज बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द दटमोस्फेयर ये भी बात बिल्कुल सही है ठीक है थर्ड देखिए रेनबो इज फॉर्म्ड इन द सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ सन तो बेटा कभी भी सन की डायरेक्शन में रेनबो फॉर्म नहीं होता हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्म होता है तो इसमें जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा और रेनबो फॉर्मेशन के लिए भी याद रखिएगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं ठीक है तो ये ए ऑप्शन बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही थे सी ऑप्शन इसमें गलत है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एपरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स सीन थ्रू अ ट्रब्यूलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और रेडिएटर इज ड्यू टू अब देखिए आपने देखा होगा फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग आपने देखा होगा जो पोजीशन होती है लगातार थोड़ी सी फ्लिकर होती रहती है तो फ्लिकरिंग जो होती है ऑब्जेक्ट की वो किस वजह से होती है ए ऑप्शन दिया गया है डिस्पर्जन बी ऑप्शन स्कैटरिंग सी सी ऑप्शन इफेक्ट एंड डी ऑप्शन इज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो बेटा इसको एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो नहीं कहेंगे ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया दिस इज रिफ्रैक्शन ठीक है तो रिफ्रैक्शन विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि देखिए यहां पर बोला गया ना हॉट एयर राइजिंग एबव अ रेडिएटर तो रेडिएटर अगर है तो इसमें एटमोस्फेयर की कोई जरूरत ही नहीं है तो जो हमारे आस पास है वही सही है तो रिफ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं अगर मान लीजिए एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन दिया है तो ये भी स्टेटमेंट सही है ठीक है तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखते हैं द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के पीछे जो फिनमना होता है यहाँ पे दे ही दिया गया है तो एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन होता है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्टी थ्री देखें द स्टार स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो स्टार्स की पोजिशन होती है ठीक है वो समवर्ड क्या होती है हायर होती है एक्चुअल पोजिशन से मतलब उनकी एक्चुअल पोजिशन थोड़ी सी नीचे होगी और वो दिखते कितने थोड़े से ऊपर दिखाई पड़ते हैं जब वो हॉरिजन के पास होते हैं तो ये किस फिनला से होता है तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द सन इज विजिबल टू अस टू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज अब देखिए एक्चुअल सनराइज से दो मिनट पहले हम लोग को सन दिखने लग जाता है और सनसेट के दो मिनट बाद तक सन दिखाई पड़ता है यह किस फिनमना से होता है तो दिस ऑल्सो अकर्स ड्यू टू फिनोमना ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन हालांकि ऑप्शन देना भूल गए हम तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू ठीक है तो इस चीज को याद रखिएगा चलिए इसको ई ऑप्शन मान लीजिए तो ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी में ठीक है नेक्स्ट तो क्वेश्चन है जो सन होता है वो फ्लैटेंड दिखाई पड़ता है सनराइज या सनसेट के टाइम पे ये भी जो फिनमिना है ये भी एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द ब्लू कलर ऑफ स्काई कलर ऑफ वाटर इन डीप सी ट आर बेस्ड ऑन तो देखिए यहाँ पे तीन चार आपको फिनोमना दिए गए हैं और पता ना है कि किसपे बेस्ड है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया डिस्पर्जन सेकेंड ऑप्शन इज स्कैटरिंग थर्ड ऑप्शन इफेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज एटमोस्फेयर एक रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही मोहन टेगी का आंसर बिल्कुल सही आ गया है स्कैटरिंग इज द करेक्ट आंसर ठीक है क्योंकि स्काई ब्लू कलर की क्यों दिखाई पड़ेगी क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करता है एटमोसफेयर में ठीक है तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन टिंडल इफेक्ट इज बेस्ड ऑन डैश ऑफ लाइट अब आपको बताना है टिंडल इफेक्ट किस पे बेस्ड है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया डिस्पर्जन इज स्कैटरिंग थर्ड ऑप्शन इज टिंडल इफेक्ट ये तो गलती है और फोर्थ ऑप्शन है रिफ्रैक्शन तो याद रखिएगा टिंडल इफेक्ट बेस्ड होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे तो डी ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ट एट दिखे थर्टी एट में क्या कहा गया वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली डैश लाइट तो जो बहुत ही फाइन जो बहुत ही छोटे इसमें आप व्हाइट मत रखिएगा इसमें ब्लू या वॉलेट ही रखिएगा हमने हालांकि ऑप्शन नहीं दिया और थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन में आप आंसर रखेंगे व्हाइट ठीक है यहां पे आप रेड ना रखिएगा इसमें आप रखेंगे व्हाइट ठीक है तो थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्हाइट और थर्टी एट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्लू या वॉलेट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लाइट हैज हैजेव लेंथ अबाउट डैश टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट तो रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी ज्यादा होती है ब्लू लाइट से तो ये अप्रॉक्सीमेटली वन पॉइंट एट टाइम्स ज्यादा होती है ठीक है

तो देखिये अगर आप बहुत हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं जैसे मान लीजिए आप किसी भी जेट वेट में हैं तो अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो आपको जो स्काई दिखता है वो डार्क दिखता है वो किसकी वजह से एब्सेंस किस चीज़ का एब्सेंस है तो एटमॉस्फेयर किस चीज़ का एब्सेंस होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एब्सेंस हो जाएगा ठीक है क्योंकि एटमोसफेयर नहीं है एटमोस्फेयरिक पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट स्कैटर नहीं कर पाएगी ठीक है तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन फोर्टी थ्री देखते हैं डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर एज रेड इज डैश स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक अब देखिए डेंजर सिग्नल आपने देखे, देखे होंगे रेड कलर के बने हुए होते हैं क्यों बने होते हैं रेड कलर के क्योंकि जो रेड लाइट होती है वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है ठीक है रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम होती है मोस्ट नहीं बेटा लीस्ट स्कैटर्ड सबसे ज्यादा कौन स्कैटर करेगी वॉयलेट या ब्लू करेगी तो वॉयलेट और ब्लू कलर का तो कभी भी डेंजर सिग्नल नहीं बनता रेड कलर का इसीलिए बनता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एस क्वेश्चन नंबर फोर्टी ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस दिस इज ड्यू टू अब देखिए यहां पे सिंपल वही चीज बता दी गई है जो अभी हमने आपको पहले बताई थी कि जो ह्यूमन आई है ठीक है वो क्या कर सकती है अपनी आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है सीलेरी मसल्स ऐसा करती हैं ठीक है थीके? अब ये किस इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन या एकोमोडेशन ठीक है बिल्कुल सही 45. 45 फॉर्म होगी हो इमेज बिल्कुल सिंपल सा है रेटिना पे फॉर्म होती है ठीक है तो डी ऑप्शन इस पे सही हो जाएगा क्वेश्चन फोर्टी सिक्स देखते हैं फोर्टी सिक्स में कहा गया द लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसको कहते हैं क्या इसको कहते हैं नियर पॉइंट ठीक है इसको याद रखिएगा नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई पूछा गया है क्या होगा और यहाँ पर नियर नियर पॉइंट क्या होता है ट्वेंटी सेंटीमीटर होता है बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ट्वेंटी फाइव मीटर भी दिया गया है ठीक है तो 25 मीटर नहीं होता इट इज सेंटीमीटर सी ऑप्शन इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं द चेंज इन फोकल लेंथ एक्शन किसका होता है देखिए फोकल लेंथ भी हम बता रहे थे आपको आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी उसको कहा जाएगा अकोमोडेशन लेकिन ये करता कौन है ये करता है सीलेरी मसल्स तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा फोर्टी एट देखते हैं अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड टू मीटर द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ पावर ऑफ तो देखिए, सबसे पहली चीज बियॉन्ड टू मीटर है इसका मतलब मायोपिया की बात हो रही है ठीक है दूर का नहीं देख पा रहा ना बेटा तो मायोपिया की बात हो रही है तो फॉर्मुला आप लगाएंगे वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ठीक है अब यहां पे देखिए मायोपिया के केस में आपको यह याद रखना होता है कि u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी हमेशा आप रखेंगे और ये जो v दिया दिया गया है, ये आपको टू मीटर दिया गया है है आपको मीटर तो आप इसको क्या रख देंगे v की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ टू मीटर क्योंकि u और v दोनों चीजें हमेशा निगेटिव में होती हैं ठीक है किस केस में मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के केस में तो यहां फॉर्मुला आप रखेंगे तो आ जाएगा वन अपॉइंट एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टू बी निगेटिव में और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस तो वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो ठीक तो एफ की वैल्यू यहां से अगर आप देखें तो कितनी हो जाएगी एफ की वैल्यू आ जाएगी टू मीटर वो भी किसमें नेगेटिव में एफ की वैल्यू अगर टू मीटर है पावर का आप फॉर्मूला लगा लीजिए पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है वन अपॉन टू और वन अपॉन टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ जीरो पॉइंट फाइव डायोप्टर क्योंकि यहां पे टू के साथ एक निगेटिव का साइन है तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा ठीक है तो बेटा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन स्टूडेंट सिटिंग ऑन दी लास्ट बैक लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटर्न ऑन दी ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर पढ़ सकता है बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटर्न इन हेज टेक्स्ट बुक मतलब उसको पास की दिक्कत है तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है उसको हाइपर मेट्रोपिया की प्रॉब्लम है ठीक है क्योंकि वो पास का नहीं देख सकता लेकिन वो दूर का क्लियरली देख सकता है अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा तो इसमें जो ए ऑप्शन है द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे तो नियर पॉइंट चेंज हो गया है वो दूर चला गया है ये ऑप्शन सही होगा हाइपर बेटा यही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट नोन द सन अपियस वाइट एज एजन देखते हैं

आई आई मसल्स अब आपको बताना है फोकल लेंथ की कब इंक्रीज होगी जब में क्या इफेक्ट पड़ता है तो आई मसल्स रिलैक्स हो जाएगी और लेंस कैसा हो जाएगा थिन हो जाएगा तो याद रखिए जब रिलैक्स होती है जब आई लेंस रिलैक्स होती है ठीक है आई मसल जब रिलैक्स होती है लेंस थिन हो जाता है तो आई लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाती है बढ़ जाती है और अगर इसी का अपोजिट होता स रिलैक्स की जगह अपोजिट होता और जो लेंस होता वो थिक थिकता आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट होती और लेंस क्या होता थिक हो जाता तब क्या होता तब लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाती लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती ये दोनों बातें बेटा आप लोग को याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है दस क्वेश्चन और बचे हुए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है तो देखिए यहां पे दिया गया पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली गलत है ठीक है अ पर्सन विद हाइपर मेट्रोपिया सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बिल्कुल गलत है थर्ड दिया गया पर्सन विद माओपिया सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली यही गलत है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को यही ये यह ऑब्जेक्ट सही है ऑप्शन सही है क्योंकि जो माओपिया होता है माओपिया में हम लोग क्या नहीं देख सकते दूर का क्लियरली नहीं देख सकते और पास का क्लियरली देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन देखिए पर्सन विद हाइपर मेट्रोपिया केन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली तो ये गलत है पास का नहीं देख सकता तो यहां पे दूर बोला गया तो इसमें ऑप्शन सी सिर्फ सही है बाकी सारे ऑप्शन जो है वो टोटली गलत है सिक्सटी वन देखिए ए कोई पर्सन है उसने अपनी आई टेस्ट करवाई तो उसको देखिए इस तरीके को कुछ लेंस प्रोवाइड किया गया लेफ्ट आई में माइनस थ्री डायप्टर का लेंस था और राइट आई में माइनस थ्री पॉइंट फाइव डॉप्टर का लेंस लगाया गया उसको आपको बताना है उसको जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो क्या है ठीक है ए ऑप्शन इज माओप्रेस बायोपिया बी ऑप्शन इज मायोपिया सी ऑप्शन इज एस्टिक मैटिज्म एंड डी ऑप्शन इज हाइपर मेट्रोपिया तो आप देख सकते हैं दोनों में जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव है इसीलिए कॉन्केव लेंस यूज हुआ और कॉन्केव लेंस किसको किस को किस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मायोपिया 62. 62 देखिए, तो incident ray और emergent ray के बीच का क्या हो हो जाएगा? भी हमने आपको बताया था। It is angle of emergence. Prism की बात रही है बेटा पर. Prism में भी होता है और साथ ही साथ ठीक है इंसिडेंट रे और नहीं नहीं इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे है नहीं बेटा इमरजेंट रे और नॉर्मल अगर होता तब यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस होता ठीक है इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता लेकिन इंसिडेंट रे और इमरजेंट है इसके बीच का एंगल एंगल ऑफ डेविएशन देखिए हमने भी गलती कर दी 62 का टू प्रिज्म आर प्लेस्ड अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया जो सेवन कलर लाइट है स्पेक्ट्रम uh, की उसको रिकम्बाइन जब करेंगे तो आपको पता है व्हाइट लाइट बाहर निकलती है फिर से लेकिन रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों प्रिज्म को इन्वर्टेड दूसरे प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में लगाना पड़ेगा जैसे मान लीजिए पहला प्रिज्म ये लगा तो दूसरा प्रिज्म इन्वर्टेड पोजीशन में ऐसे लगता है ठीक है तो जो लाइट आती है ये पहले सेवन कलर्स में ब्रेक होती है फिर अंदर पहुंचती है फिर यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है और ऐसे निकल जाती है और याद रखिएगा जो डिस्टेंस है दोनों लेंस दोनों प्रिज्म के बीच में ये बहुत ही कम होती है लीस्ट होती है ठीक है ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है तो इन्वर्टेड विल बी द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर है सन अपियस डैश वेन इट इज नियर दी हॉराइजन अब सन कैसा दिखाई पड़ेगा जब वो हॉराइजन के पास होगा तो रेड दिखाई पड़ता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65। थोड़े से और क्वेश्चन बचे हुए हैं अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट कलर देर इज प्रॉब्लम विद अब बताना है किस चीज में प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी कौन सेल्स में तो रॉड और कौन सा आपको दो के बारे में पता होगा कौन सेल्स क्या करते हैं कलर सेंसिटिव होते हैं तो कलर की अगर कोई दिक्कत हो रही इसका है इसका मतलब वो कौन सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है इन द फॉलोइंग डायग्राम द द पाथ ऑफ 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 रे एंगल एंगल इंसिडेंस इंसिडेंस तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा क्योंकि ये इंसिडेंट रे है एंगल ऑफ इमरजेंस ये इमरजेंट रे होती है तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्यू हो जाएगा और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा तो ये जो पी एंगल दिखाई पड़ रहा है ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा तो वाई क्यू पी ठीक है yqp इसका आंसर c हो जाएगा देख लेते हैं कौन सा है d ऑप्शन देखिए तो d ऑप्शन इसमें आप सही कर दीजिए ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में क्या कहा गया एसर्शन रीजन ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है cbsc में ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं हालांकि इसकी हम लोग एक और सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें से अभी हम लोग ने लाइट चैप्टर का आ, या, या, इसके क्वेश्चन करा दिए रीजन के और दूसरा हम लोग ने केस स्टडी के भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन बोला गया है आउल्स कैन मूव फ्रीली ड्यूरिंग दी नाइट तो आपको पता होगा जो उल्लू होते हैं आउल होते हैं वो नाइट रात में बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं दे हैव लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स ऑन देयर रेटिना तो रॉड्स बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है रॉड्स क्या करते हैं डिम लाइट में देखने में मदद करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन जो है

लेकिन रीजन देखिए क्या बोला गया रीजन बोला जा रहा है ब्लू कलर शॉर्टेस्ट ऑल दी ऑफ व्हाइट लाइट तो ब्लू कलर की शॉर्टेस्ट होती है यह तो दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है ठीक है तो इसमें रीजन भी सही है तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें तो ए विल बी करेक्ट आंसर बिल्कुल सही अन्नपूर्णा सर का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है ए ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट यहां पे देखिए एक पैसेज दिया गया पैसेज जो है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हॉटर एयर ऐसे करके एक आपको पैसेज दिया हुआ है अब आपको बताना क्या है उस क्वेश्चन पे आते हैं सीधे क्योंकि ये जो क्वेश्चन साइंस में आपको मिलेंगे केस स्टडी वाले वो मेनली एमसीक्यू होंगे पैसेज उस, उसका लेना देना बहुत ही कम होता है ठीक है चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन चलिए ठीक स्टार्स अपियर टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ अब स्टार्स की ट्विंकलिंग क्यों होती है तो अभी हमने आपको देखिए डिस्कस किया था मूवमेंट ऑफ एयर बिल्कुल सही है रिफ्रैक्शन बिल्कुल सही तो दोनों ऑप्शन सही है. इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में क्या कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन अब रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है फर्स्ट दिया गया क्लाउड्स वाइट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन हॉट एयर थर्ड दिया गया है ब्लू कलर ऑफ स्काई और फोर्थ दिया गया है इमेज फॉर्मेशन इन अ मिरर ठीक अब देखिए यहां पर बोला गया है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या होता है क्यों हो रहा है मतलब कौन सा फिनमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होता है तो अगर आप देखें फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन हॉट एयर ये इसका आंसर सही होगा ठीक है क्लाउड्स अपेयरिंग वाइट गलत है ठीक है ये क्योंकि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से है ब्लू कलर भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें व्हेन सनराइज वेन सनरेज इंटर्स दी एटमोस्फेयर द कलर विच स्कैटर फर्स्ट तो सबसे पहले जो स्कैटर होगा कलर वो कौन सा होगा ठीक है सबसे पहले स्कैटरिंग किसकी होगी ये आपको बताना है ओनली रेड रेड ऑरेंज येलो ब्लू एंड ग्रीन वॉय इंडिगो एंड ब्लू तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा और सबसे पहले किसकी होती है तो इन्हीं दोनों की होती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ पार्ट इसमें देखिए द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है क्या होगा तो वेवलेंथ अगर देखें तो वी आई बी जी वाई ओ आर ये वेबग्योर है ना वेबग्योर जो है सबसे ज्यादा वेबलैंत किसकी है रेड है की है ठीक है तो ऐसे करके एक साइन लगा दीजिए सब में ठीक इस तरीके का साइन लग जाएगा तो वेबलैंत का ऑर्डर हो जाएगा तो रेड की सबसे कम ज्यादा फिर ऑरेंज की सबसे ज्यादा फिर येलो और सबसे कम किसकी हो जाएगी वॉयलेट तो यहाँ पे देख लीजिए किसका आ रहा है तो ये ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सही है वेबग्योर देखिए लिखा हुआ और ये साइन भी ऐसा बिल्कुल सही बना हुआ है ठीक है तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा बेटा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट द सन अपियस रेडिश ड्यू टू तो सन रेड क्यों दिखाई पड़ रहा है स्कैटरिंग ऑफ रेड इन द दर ठीक है सन दूसरा दिया गया है सन प्रोड्यूस रेड लाइट बिल्कुल ही गलत है तीसरा दिया गया हीट प्रोड्यूस गलत है ठीक है तो यहां पे देखिए सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेडिश क्यों दिखाई पड़ता है स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट इन दी एटमोसफेयर नहीं रेड लाइट तो स्कैटर नहीं करती इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा सही क्योंकि रेड लाइट ही पहुंचती है ठीक है तो इसमें देखिए यहां पर कोई भी गलत कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है तो इसमें डी ऑप्शन आप लगाएंगे इसका मतलब यह हुआ कभी कभी नन ऑफ दीज भी सही हो सकता है तो नन ऑफ दीज को कभी ऐसा मत सोचिएगा कि नन ऑफ दीज फर्जी दिया हुआ है क्वेश्चन नन ऑफ दीज फर्जी ऑप्शन नहीं होता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी नन ऑफ दीज दिया होता है ठीक है नेक्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन देखिए इसमें देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है कुछ इस तरीके का यहाँ रमेश के बारे में कुछ बातें करी गई हैं हम लोग इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस को देखते हैं रमेश एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टू हिज चिल्ड्रन द फिनिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो तो रेनबो फॉर्मेशन में जो फिनिना इन्वॉल्व है वो कौन सा इन्वॉल्व है ये आपको बताना है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग इसको सही कर देंगे ठीक है हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे अगर आप कहेंगे कि सर पहले पिछले वाले से सही होना चाहिए क्योंकि पिछले में इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा था लेकिन हमने आपसे कहा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो या इंटरनल रिफ्लेक्शन हो दोनों ही चीजें सही है लेकिन ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है बिल्कुल सही है ठीक है तो यहां पर चाहे टी बोला जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं लेकिन अगर मान लीजिए एनसीआर आपसे कहती है कि दोनों में से कौन सा आप ज्यादा प्रीफर करेंगे तो आप इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रेफर करेंगे हालांकि सही ये भी है इसको कोई गलत नहीं कह सकता है ठीक है तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहां पर रिफ्रैक्शन भी होगा डिस्पर्जन भी होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा तो बी ऑप्शन इसमें सही मानकर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट विच एक्ट एज प्रिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो तो रेनबो फॉर्मेशन में प्रिज्म की तरह कौन बिहेव करता है तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं एटमोसफेयर में क्या वो बिहेव करते हैं गैसेज बिहेव करती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स इन दटमोस्फेयर बिहेव करते हैं या नॉन ऑफ दी तो अभी हमने आपको बताया था वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं एटमोसफेयर में अब जैसे बारिश हुई बारिश जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद वाटर के पार्टिकल्स फिर भी एटमोसफेयर में सस्पेंडेड रहते हैं वही वाटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं रेनबो फॉर्मेशन में मदद करते हैं तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा

तो ये दो कंडीशन है ये कंडीशन कब फुलफिल होंगी सनी डे विद लीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर फोर है इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है रेनबो केन नॉट बी सीन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मून ड्यू टू अब मून से रेनबो क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा लैक ऑफ एटमोसफेयर एब्सेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स बोथ एंड बी नन ऑफ दी अब तो देखिए हमने आपको बताया रेनबो फॉर्मेशन के लिए दो चीजें पहला सनलाइट जो की है ठीक और दूसरा वाटर ड्रॉपलेट जो कि वहां नहीं है तो यहां पर लैक ऑफ एटमोसफेयर का तो कोई काम ही नहीं है यहां पर काम किसका है ऑफ वाटर तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा नेक्स्ट इज और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है इसमें कहा गया है इन विच डायरेक्शन वुड यू लुक टू फाइंड अ रेनबो इफ द सन इज आउट ड्यूरिंग अ रेनफॉल ठीक है तो ये आपको बताना है कि अगर आप निकलते हैं बाहर और देखा कि रेनबो आया तो रेनबो देखने के लिए आपको किधर देखना पड़ेगा यह आपसे पूछा गया है इस चीज को आप याद रखिएगा ठीक है तो इसमें ऑप्शन में ऑप्शन सी सही हो जाएगा और ऐसा होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है जिधर से लाइट आती है उसी तरफ वापस आ जाती है ऐसा होता है ठीक है तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा तो ये हमारे पास सेवेंटी क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड ह्यूमन आइंड द कलरफुल वर्ड चैप्टर से रिलेटेड तो इन क्वेश्चन से आपका रिविजन आई होप बहुत ही अच्छा हो जाएगा और अगर आप लोग ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को रिपीट करिएगा और देखिएगा क्या इन क्वेश्चंस में आपको कुछ ऐसा लगा कि जो एन में हमारा छूट गया था जो हम लोग नहीं ले पाए हालांकि हम लोग ने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं एन से एक एक लाइन हम लोग लेते हैं उसको ही कवर करते हैं एक्जाम्पलर के क्वेश्चन भी लेते हैं एन सी के भी क्वेश्चन लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाते हैं और बाकी के अगर आपको एम देखने हैं तो उसके लिए आप प्ले पे जा सकते हैं क्लास टेंथ की जो प्ले है ठीक है उससे आप ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका जो भी कॉन्सेप्ट है लेकिन कभी भी एमसीक्यू को पढ़ने के पढ़ने से पहले आपको सारा चैप्टर जरूर रिवाइज करना है बिना चैप्टर रिवाइज करे आपको एमसीक्यू कभी डायरेक्ट नहीं लगाने हैं क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम जरूर होगी तो अगर सब कुछ ठीक है सब कुछ समझ में आ गया तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं अगले लेक्चर पर एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए एम सेशन के साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के साथ एसर्शन रीजन के साथ फिर से आपके सामने आएंगे तो आज के लिए फिलहाल इतना ही Thank you very much. Goodbye. Jai Hind.